हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं पोडोडर्मेटाइटिस के बारे में। आपने अपने डॉग में या किसी के डॉग में ऐसा लीजन ज़रूर से देखा होगा। ये डॉग चाटते जाते ये हाल कर देता है, इतना रहता है, इसीलिए इसको एक्रेलिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, जो चाटने से पैदा होता है। हर लोग जानते हैं जो इससे डॉग पीड़ित होता है उसे ठीक करना कितना मुश्किल होता है, और जो पीड़ित जो पेट पेरेंट है वो एक वेटरनरी डॉक्टर से दूसरे वेटरनरी डॉक्टर में दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी राहत नहीं दिखता है। आइए देखते हैं ये होता क्यों है। ये होने का कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है एडवर्स फूड रिएक्शन, गलत खाना देना, दूध रोटी देना या फिर कोई ऐसा फूड आइटम देना जिससे कि ये हो जाता है। जैसे मेरे जैसे वेटरनरी, इसीलिए हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए पहला काम करते हैं कि फूड को बदल देते हैं। फूड देते हैं ऐसा जो, जैसे कोई अगर होम फूड दे रहा है तो उसे पैकेट वाला जो फूड होता है, जैसे वेट प्रो हुआ या कोई भी पेडिग्री हुआ, कोई भी फीड हम लोग देते हैं, और वो फर्स्ट है। नेक्स्ट है इसका रीज़न होने का, जैसे कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कहीं समुद्र के किनारे कोई डॉग है या कहीं तालाब के किनारे कोई घर है, जो हमेशा उसका पैर जो है हमेशा क्या कहते हैं भींगते रहता है, तो उसी से होता है ना, वो पत्थर से, बालू से या किसी चीज़ से, या नमक लग गया पैर में, लगा ही चिपका ही रह गया, भींगा रह गया बहुत दिन देर तक, तब फिर ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट एलर्जी। नेक्स्ट है फूड पैड के हाइपरकेराटोसिस। फूड पैड कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके अलावा एक और है बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि थायराइड की थायरॉक्सिन बहुत लेवल बहुत लो हो जाता है। ये जनरली होता है 7 साल से ज़्यादा उम्र के डॉग को में, तो ये नीचे भी कम उम्र भी हो सकता है, लेकिन जो एडल्ट डॉग में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है ये इस कंडीशन में भी ये जो है डर्मेटाइटिस और ये इस तरह का लीजन होने का संभावना रहता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, हम लोग थायरोक्सिन या एल्थ्रोक्सिन या इस तरह का कोई दवाई देते हैं, देने के बाद तुरंत रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है और ठीक हो जाता है। इसके अलावा में और एक रीज़न है हुकवर्म। अगर आप रेगुलर डीवॉर्म नहीं करवा रहे हैं तो भी ये होने का चांस रहता है। इसके अलावा और है डेमोडेक्स केनिक्स, वो जो बताया था एक मैंने वीडियो में, डेमोडेक्स से जो बॉडी में अगर कीड़ा हो जाए डेमोडेक्स केनिक्स, तो भी ये होने का चांस रहता है डेमोडेक्स का। तो ये सभी फैक्टर है जिसके मेन रीज़न है। अब कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण ये जो डिजीज़ है ज़्यादा होता है। क्या होता है, जैसे अगर कोई डॉग ज़्यादा मोटा है उसमें ज़्यादा होगा, या फिर अगर समझिए कि कोई तरह का जन्मजात प्रॉब्लम है, जिससे समझिए कि जैसे पैर चिपका हुआ है, पैर ये टेढ़ा है, तो ज़्यादा होगा। अब आइए और देखते हैं कि हम लोग इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक इसी तरह से मिलता जुलता और भी दो बीमारी है जो ये सेम रीज़न रीज़न पाया जाता है, लेकिन उससे कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। तो वो हुआ जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, जैसे एनवायरनमेंट से कुछ होता है, या जैसे बताया मैंने कि वो टिक, ये डेमोडेक्स केनिक्स, वो एक टिक से भी हो सकता है और माइट से भी हो सकता है, तो वो सब अलग बीमारियां हैं, वो पोडोडर्मेटाइटिस नहीं है। तो ये डिफरेंस आपके डॉक्टर साहब करेंगे, आपसे तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन सिम्टम्स सबका अलग अलग है। तो ये जो है अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पोडोडर्मेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। पोडोडर्मेटाइटिस में ये जो जो रीज़न अभी दिखाया मैंने, वो मेन रीज़न है आपको फूड एलर्जी, और बाकी और भी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या समझिए जो है कि चाट चाट के कर दे, तो वो डिफरेंट चीज़ है। या डॉग अगर बोर है तो बोर हो रहा है तो उससे ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी चाटने लगता है, तो वो सब अलग बीमारियाँ हैं, उसका हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं पोडोडर्मेटाइटिस का, जो पैर में उंगलियों के ऊपर में ये इस तरह का लाल रंग का लीजन हो जाता है। तो इसमें हम लोग यही बात करेंगे, और बाकी इस तरह से जैसे अगर दर्द की वजह से वहाँ पर घाव हो जाए या कहीं चोट लग जाए तो वहाँ घाव हो जाए, वो डिफरेंट चीज़ है, उससे इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको डॉग का हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। हम डॉक्टर लोग वही करते हैं कि उसका हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे हुआ, कैसे ये शुरुआत हुआ था, तो फिर इस तरह से हम लोग इसके बाद हम लोग इसके इलाज के लिए जाते हैं। इलाज के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है जिसके बारे में बता रहा था कि बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड डिस्पोजिंग फैक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है। उसका मैनेजमेंट अगर सही है आपका डॉग का, तो ये डॉग एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आपका अगर ओबेसिटी है डॉग का, अगर बड़ा मोटा हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो गया है, तो उसका वेट को, वजन को घटाते हैं,
वेट रिड्यूसिंग डाइट आता है वो देते हैं। और समझिए कि जैसे कोई कोई में अगर पैर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे फ्रैक्चर वगैरह है, तो उस फ्रैक्चर को रिपेयर करते हैं। तो ये इस तरह का फूड रिएक्शन हो रहा है तो फूड को चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया पहले। और एनवायरनमेंट से, जैसे कोई अगर फिनाइल लेके अपना फ्लोर साफ़ करते हैं तो फिनाइल बंद करवाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फिनाइल मत दीजिए, अपना फ्लोर को साफ़ नहीं कीजिए, उससे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो इस तरह का लीजन, इस तरह का चीज़ तो होगा, वो ज़्यादा होगा। अब आते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए, या कैसे आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसके तरह के काफ़ी तरह के जूते भी आते हैं, जूते भी पहनाते हैं लोग अगर होता है तो। और अभी हम लोग बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करके इसका इलाज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलाज के लिए, तो वो जो पैर है ना, जहाँ पर वो है, उसको हम लोग एक कप में डुबोते हैं। वो एक वो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो अभी बताएंगे। और उसको जैसे ये देखिए, ये एक कप है, ये इस तरह का कप आएगा। इस कप में क्या करते हैं हम लोग, एक एंटी फंगल सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी एक एंटी फंगल शैम्पू, जैसे पेटेक्स शैम्पू हुआ। इसको क्या करेंगे ना, इस कप में सॉल्यूशन बना लेंगे, घोल लेंगे। डोंट वरी, मैं आपको इस कप का भी और एंटी फंगल शैम्पू जैसे पेटेक्स हुआ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे फॉलो करके आप वो बाय कर पाएंगे। और ये जो है ना, ये कप में वो सॉल्यूशन को रखना है और उसके बाद थोड़ा देर थोड़ा झाग कर लेना है करके, उसे जो अफेक्टेड फुट है, जो पैर है डॉग का, जहाँ पर वो लाल लेजन हुआ है, उसको इसमें डिप कर देना है। डिप करके अगर 10 मिनट रखेंगे प्रत्येक पाँव, तो वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ये डॉग है, इसने भी डिप किया हुआ है, ये डॉग शान से है। डॉग जो है देखिए ऐसे इछल उछलते कूदते रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको आराम महसूस होगा ना, तो वो भी करने देगा। वो आपको देखिएगा, मैंने किया हुआ है, और ये जो है कोई भी इधर उधर उछलेगा नहीं। तो ये डिप करके रखेंगे उस सॉल्यूशन में, और करने के बाद निकाल के पोंछ देंगे। पोंछने के बाद क्या करेंगे कि उसमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे, जैसे पोविडॉन स्प्रे होता है, या कोई भी स्प्रे, या वो भी मैं लिंक दे दूंगा। वो स्प्रे एक दे लगाना है, स्प्रे छिड़क देना है। छिड़कने के बाद उसके 2-3 मिनट बाद एक क्रीम लगा देना है। वो क्रीम कौन सा है, पॉजिटिव क्रीम, उसका भी लिंक में मैंने दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो क्रीम उस लाल वाले हिस्से में लगा देना है। तो ये हो गया पहले डिप। डिप करने के बाद निकाल के पोछेंगे, पोछने के बाद एंटीसेप्टिक स्प्रे करेंगे, एंटीसेप्टिक स्प्रे करने के बाद पॉजिटिव क्रीम लगाएंगे। ये है शैम्पू, जो एंटी फंगल शैम्पू मैंने बताया, पेटेक्स शैम्पू, ये है, ये एक एंटी फंगल शैम्पू है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुराना ब्रांड का है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही। इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डॉग के बॉडी से स्मेल आ रहा है, ये कुछ आ रहा है, तब कर सकते हैं। और यही है पॉजिटिव क्रीम, जो आपको इसको पॉ बाम हम लोग कहते हैं। पॉ बाम जो है, आप स्प्रे करने के बाद आप उसको पोंछने, पहले तो सॉल्यूशन में डिप करना है, उसके बाद स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद ये जो है इसमें लगा देना है पॉजिटिव क्रीम। इस ऐसे भी आप जो है कि नॉर्मल डॉग में भी अगर रात में थोड़ा लगा के पॉज में लगा के सोएंगे, तो इस तरह का कंडीशन डेवलप नहीं करेगा। अब आते हैं, इसके अलावा भी आपको जो है ना, इन सभी के अलावा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक जैसे लिक्सन टैबलेट हुआ, इस तरह का कोई भी आपको लिक्सन टैबलेट या कोई भी टैबलेट वो खिलाना चाहिए। ये एक नई दवा आई है, पीजीएस। पीजीएस जो है, ये जो खुजली होता है, जहाँ पर उसको बार बार उसे इचिंग करने का या चबाने का, पैर को चबाते हुए आपने देखा होगा, तो पैर को अगर चबाता है समझिए, या कहीं भी इचिंग होता है, इस पीजीएस ऑइंटमेंट को लगाएंगे तो वो जो है ना, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कहीं भी अगर खुजली होता है तो लगाइए, ठीक हो जाएगा। अब लास्ट स्टेज में आते हैं, यह है एंड स्टेज डिजीज़ या सर्जरी। ये भगवान ना करे किसी को करवाना पड़े, लेकिन जब सब चीज़ फेल कर जाता है, तब हम लोग ये सर्जरी भी करवाते हैं इस डॉग का। इसमें करते क्या है, वो जो सिस्ट होता है या रेड वाला हिस्सा है, उसको काट के निकाल देते हैं और बगल वाले चमड़े को आपस में सी देते हैं। लेकिन ये एकदम, ये क्या है कि ये हम लोग करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि इससे कभी कभी डॉग जो है अपंग भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से, भगवान ना करे किसी को करवाना पड़े, तो इस तरह से मैंने कि किया जाता है। तो यही था छोटा मोटा ये इस कंडीशन का इलाज। मतलब वो क्या, एक लोकली आप पैर, आपने पैर में किया, और दूसरा है एंटीबायोटिक खिलाया,
और तीसरा है कि इसे जो है फूड में चेंज किया। फूड में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड में अगर चेंज नहीं हो तो बाकी जितना भी आप इलाज करा रहे हैं वो फेल कर जाएगा और रिकरेंट होगा, माने फिर से वो होने का चांस रहेगा। इसलिए फूड में अति अवश्य चेंज करें। और आशा है, धन्यवाद।